शाहरुख खान की आने वाली मूवी होम 4 को लेकर रामचरण का बड़ा स्टेटमेंट सामने आ चुका है। रामचरण कहते हैं कि शाहरुख खान की जो ये मूवी है ये बहुत बड़ा कलेक्शन कर सकती है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। और एक बार फिर से शाहरुख खान डॉन के बाद धूम 4 की फ्रेंचाइज को हाथ में लेने वाले हैं। हो सकता है धूम 4 मूवी शाहरुख खान की वजह से आगे चल जाए और शाहरुख खान ही है जो अब धूम 4 की फ्रेंचाइज को आगे ले जा सकते हैं। जब से पहले आमिर खान ने इस फ्रेंचाइज को स्टार्ट किया था और अब YRF के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने ये कह दिया कि अब मैं ये फ्रेंचाइज शाहरुख खान के हाथों सौंप देना चाहता हूँ। और रामचरण कहते हैं कि शाहरुख खान या धूम फ्रेंचाइज के लिए ठीक रह सकते हैं क्योंकि शाहरुख खान ने जब से जवान और पठान मूवी दी है तब से बॉक्स ऑफिस को हिला दिया है। अगर शाहरुख खान धूम 4 के अंदर आते हैं तो हो सकता है ये फ्रेंचाइज शाहरुख खान की वजह से सुपरहिट हो जाए क्योंकि शाहरुख खान की जो क्रेज है मूवीज का वो विदेशों से बहुत ज्यादा आता है। इंडिया से मुकाबले शाहरुख खान की मूवीज का कलेक्शन विदेशों से बहुत ज्यादा होता है। और अगर शाहरुख खान YRF की इंडस्ट्री की धूम 4 फ्रेंचाइज को हाथ में ले लेते हैं तो हो सकता है एक बार फिर से बॉलीवुड की कोई सीरीज शाहरुख खान की वजह से सुपरहिट हो जाए। और रामचरण ने यह भी कहा कि धूम 4 मूवी के साथ शाहरुख खान और बॉलीवुड का अच्छा सा कमबैक हो सकता है। रामचरण ने यह भी कहा कि अगर बॉलीवुड को कोई जिंदा कर सकता है तो वो शाहरुख खान ही है और शाहरुख खान के सिवा कोई और बॉलीवुड को जिंदा नहीं कर सकता क्योंकि शाहरुख खान की हर मूवी का तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करती है और 1000 करोड़ कलेक्शन करना किसी अरे गेरे की बात नहीं, ये सिर्फ शाहरुख खान ही कर सकती है यानी कि किंग बॉलीवुड के, क्योंकि शाहरुख खान की वजह से ही बॉलीवुड चलता है और हर बार शाहरुख खान ने अपनी मूवीज देख के बॉलीवुड को बचाया है और आगे भी बचाएंगे। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने बहुत सारी मूवीज को भी साइन कर लिया है जिनमें से डॉन 3 की जो फ्रेंचाइज है वो सबसे ज्यादा होने वाली है क्योंकि शाहरुख खान ने डॉन फ्रेंचाइज को भी हाथ में ले लिया है। और आदित्य चोपड़ा ने ये भी कह दिया है कि हमने शाहरुख खान को स्टोरी दे दी है और शाहरुख खान ने स्टोरी पढ़ते ही डन कर दिया है। और हाल ही में बताया जा रहा है कि 2026 के अंदर धूम 4 मूवी की जो शूटिंग है वो भी शुरू कर दी जाएगी। अगर दोस्तों धूम 4 मूवी रिलीज होती है तो हो सकता है एक बार फिर से हमें शाहरुख खान यानी कि चोर के रूप में दिख सकते हैं। अगर शाहरुख खान नए अवतार में आते हैं तो हो सकता है एक बार फिर से शाहरुख खान अपनी नई पहचान बना दें अपने फैंस के दिलों पे। अगर आप शाहरुख खान के डाइट वाले फैन है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करना। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर।